नमस्कार, चलिए एक नज़र डाल देते हैं राजस्थान के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आपको कोरोना वायरस को लेकर अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें, आज दोपहर तक 102 नए पॉजिटिव राजस्थान में सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 22 मरीज अकेले डूंगरपुर में आए हैं। वो इसके अलावा अजमेर में 3, 12 में 1, चित्तौड़गढ़ में 7, जयपुर में 4, जालौर में 11, झालावाड़ 1, झुंझुनू में 8, जोधपुर में 10, कोटा में 6, नागौर में 17 और सीकर में 9, सिरोही में 4, उदयपुर में 3 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 5952 पहुंच गई है। वहीं 143 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की, तो यह एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ाने की सेवा शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी खुद उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके दी है। तो यह एक बड़ी खबर है, 25 मई 2020 से घरेलू उड़ाने फिर से शुरू हो जाएगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियां 25 मई से उड़ाने शुरू करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान में कुछ और छूट दी गई है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बीच मॉल्स में मौजूद ऑफिस और शिक्षण संस्थाओं के ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना इसमें अनिवार्य होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चौथे चरण को लेकर समीक्षा बैठक की, उसके बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में वायरस का प्रकोप नियंत्रण में है, जिसके कारण पिछले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई है। आपको बता दें, नई गाइडलाइंस के तहत शैक्षणिक संस्थान के कार्यालय और शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दफ्तर खोलने की अनुमति दी है, लेकिन शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इनमें विद्यार्थी नहीं आ सकेंगे और शॉपिंग मॉल में भी दुकानें बंद रहेगी। तो यह थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।